गाइस ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और आज फिर से मौसम बिल्कुल सुहाना है और एक तेज बरसात के साथ ये ब्लॉग शुरुआत हो रही है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, एडम्स एंड ईव्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वार्म वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस राज। और इस खूबसूरत से मौसम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश में हमें कहीं जाना भी है। कहीं क्या जाना है, हमें अपने गांव जाना है। सो गांव से गांव भी जाएंगे और गांव से आप लोगों को मैं अपना गांव वाला घर भी दिखाऊंगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर आता है रास्ते में, मैं वो भी दिखाऊंगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वेलकम टू द होम टूर ऑफ सचिन मनीषा। गाइस मनीषा इज फीलिंग बिट बेटर नाउ, अब थोड़ी सी ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले इनको बोला जाए, एक मुस्कुरा दीजिए लंबा सा। ऐसे कौन हंसता है? हूँ और लंबा सा। अमेजिंग गाइस, मतलब जैसे जैसे इसको सिखा रहा है वैसे वैसे ये एक्टिंग कर दे रही है। पीछे के कैमरा से जा रहे हैं, इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ करके आपके लिए। आपकी तबीयत तब थोड़ी बहुत ठीक है, चलने का मन है? मनीषा भी जाना नहीं चाहती है, ट्रैवल नहीं करना चाहती है। और अभी हम लोग को मोर देन 60-70 किलोमीटर ट्रैवल भी करना है। सो शाम तक हम लोग वापस आएंगे। कैसा लग रहा है हम लोग जा रहे हैं तो? कैसा या फिर आ जाएंगे शाम तक? आ जाएंगे शाम को, बस वैसा फील हो रहा है ना। थोड़ा सा तो अंदर अंदर दुख लग रहा होगा। 1% और ये मार रही है। मार थोड़ी देना, मार थोड़ी देना। बताओ क्या कैसा लग रहा है हम लोग जा रहे हैं तो? कैसा क्या, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, चलो नहीं। अच्छा चलो एक लाइन बोल रहा हूँ, लाइन बोल दो। बोलो करेजवा के। ना ना, अरे बोलो ना। नहीं बुक नहीं, बुक नहीं तो बोल दी। अरे जितना बोल रहा हूँ उतना बोल देना, उसका मत बोलना। बोलना चलो करेजवा के जोर से। बुक नहीं, बुक नहीं करके दांत चियार के चल देहनी। ओ भाई ओपी भोजपुरी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मनीषा भी थोड़ा आराम करेंगी तो आप सो जाइएगा, पूरे 7-8 घंटे का आपको वक्त मिल रहा है, ठीक है? ये बंधन तो सो गाइज आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भीषण बरसात हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात। और इस भीषण चेहरे को भी देख लीजिए, ये भी बेचारे अभी नहा वहा करके आए हैं, बारिश में नहीं नहा लिया है। और गाइज घर में इतना अंधेरा है कि फ्लैश लाइट जलाना पड़ रहा है। दोपहर के लगभग 10:30, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और बारिश बहुत ही तेज़, बहुत ही तेज़। अब घर से निकलने में हम लोग को थोड़ा सा डिले होने का चांस है। और यहाँ हमारे रूम में भी पानी की छींटे आ रही हैं। मुश्किल बड़ी है, हम लोगों को निकलना है घर से। सो वी आर जस्ट मूविंग ऑन टू द वे। थोड़ी देर में निकलने की तैयारी हो ही रही है, जस्ट वेटिंग। ये हमारा रूम। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर ऑन द वे टू शिवपुर सकरा। और आज गांव जा रहे हैं, मैं हूँ, मम्मी पीछे हैं, बुआ भी पीछे हैं और प्रिंस आज कैमरामैन बना हुआ है। तो अभी यहाँ से हमारे गांव की दूरी लगभग 25 किलोमीटर होगी, 25 से 26 किलोमीटर होगी, दैट्स इट। और रास्ते में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर भी आएगा तो आप लोगों को उनके घर का भी आज दर्शन कराएंगे। फिर आज तो अपना घर भी मैं दिखाऊंगा आपको गाँव का। सो लेट्स गो। पीछे का बैटरी, आज ऐतिहासिक दिन है कि जिंदगी में पहली बार शायद 200 रुपये का पेट्रोल डालूंगा मैं अपनी कार में। जिंदगी में गाइस, कार बाइक में तो चलो समझ में आता है, 100 रुपये 200 रुपये का कोई चलो यूजुअल है, कार में मजबूरी में डालना पड़ रहा है। लॉकडाउन जो हमसे करवा दे, पैसों की जो किल्लत हो गई हमारे पास। अरे भाई साहब पीछे ओवरटेकिंग कर रहे हो। आज फिर से जाम लग गया है, ट्रैफिक जाम। बारिश की वजह से शायद रास्ते में पेड़ गिर गया है। और मम्मी कह रही है कि वो जो आदमी है वो मोजा पहना हुआ है, लेकिन मोजा नहीं पहना हुआ है, ऐसा बस जनरली हम लोगों को दिखता है। पूरा एक खतरनाक चीज, ट्रक के टंकी पे लिखा हुआ है खुराक मंत्री, ये ट्रक का खाना खा जाता है पेट्रोल। भाई साहब कतई जहर, भाई कतई जहर। ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। ये गांव की ये एक अद्भुत सड़क, बहुत खूबसूरत सा नजारा, एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ सड़क।
पीछे जितने भी वो भी घर हैं वो भी मेरे दादाजी के ही हैं, और ये भी मेरे दुर्गा दादा का दुकान और घर, ये सारा इधर। सो गाइस वेलकम टू द विलेज टूर। बैठो प्लीज। आई वक्त क्या कर रही में नहीं आ रहा है, और ये मेरी मम्मी ने पापा ने अपने पैसों से खरीदा है, दादाजी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसमें लगभग 4 कट्ठा के आसपास का है हमारा जमीन है, और ये भी बहुत ही भाग की थी गाँव में अपने जमीन बनाई है। और अभी मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ वो मंदिर के पास जो मेरी पापा की दादी ने बनाया, पूरे गाँव के लोग वहाँ पूजा करते हैं। सूरत सा मंदिर बहुत पुराना हो गया है, और यहाँ पे हम लोग रहते थे, यहाँ ये मंदिर दादी माँ पापा की दादी ने बनवाया, और बहुत ही खूबसूरत सा। अभी तो खैर बारिश का मौसम था और यहाँ लोग अभी ज़्यादा है नहीं, अक्सर यहाँ लोग हुआ करते हैं, और लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी यहाँ ज़रूर दिक्कत है। यही है वो शिव मंदिर है ये, तो ये काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं होता था, इस कुएं में अक्सर हम लोग बचपन में झांका भी करते थे। गाइस दशहरा के टाइम जो दुर्गा माँ को स्थापना किया जाता है वो यही जगह है जहाँ हम लोग दुर्गा जी को स्थापना करवाते हैं, और कछुआ है उसमें। सो गाइस ये कुआं है, और इस कुआं में कछुआ भी है। ओ माई गॉड, आपको मैं दिखाता हूँ आप लोग, ये कछुआ टॉर्टोइज है, इसमें किसी ने डाला हुआ है, और ये कुआं बहुत लोगों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत गहरा ही है, इसमें से हैंडपम्प का कनेक्शन भी है, और ये पानी टंकी भी यहाँ पर रखा हुआ है, हर घर नल योजना ना ये दूसरा वाला है। चलो अब पानी की तरफ आपको लेके चलते हैं, नदी की तरफ। सो गाइस अब मैं आप लोगों को नदी के किनारे ले जाता हूँ जहाँ पे हम लोग सूरज देव को अर्घ भी देते हैं, और छठ पूजा के टाइम पे, और ये जो छोटी छोटी है ये यहाँ पे छठ पूजा होती है, और यहाँ पे हम लोग सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, और छठ पर्व जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक महापर्व होता है, तो गांव में जब भी हम लोग छठ पूजा के लिए आते हैं तब हम लोग इस जगह पे ज़रूर आते हैं, और यहाँ पे हम लोग की छठ पूजा पूरी कंप्लीट होती है। और अभी मैं नदी का जल स्तर देख करके मेरी आँखें चौंधिया गई हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट नदी का पानी यहाँ तक आ रहा है, तो ये पानी कई मतलब नीचे होता था कई फुट, आई थिंक 6 फुट पानी कम से कम ऊपर आया हुआ है, और गांव का एक अद्भुत दृश्य आप लोगों को देखने, आप लोग अपने अपने गांव में भी इनफैक्ट ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जो बिहार से हैं खास करके। मैं बहुत दिनों बाद यहां पर अक्सर बहुत रेयरली आता हूं, प्रिंस इनफैक्ट दो साल बाद ही आया होगा। प्रिंस कितने साल बाद आया हो तुम? 2 साल हो गया है ना, 2 साल के बाद ये प्राणी पहुँचा है, और बिल्कुल जल स्तर ऊपर तक है, इधर भी साइड में आपको दिखा सकते हैं ये पानी का स्तर कितना बढ़ा है। ये एक नदी है, इसको झरही नदी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा नीचे तक हम लोग यहाँ बीचों बीच उस पार तक चले जाते थे हम लोग चलते चलते। ओ भाई पुल तो पूरा डूबने वाला ऑलमोस्ट। तो गाइज वो अब पता है तुमको, उस पुल के ऊपर से पानी बह रहा था बीच में, इतना पानी का लेवल ऊपर था कि उस पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा था। वो वाला जो घर आपको दिख रहा है, ये वाला घर, ये मेरे बड़े पापा का घर है, नया उन लोगों ने खरीद के बनवाया है, और ये झरही नदी। तो गाइज ये था हम लोगों का पूरा एक गांव का टूर, और गांव की जो भी चीज़ें थी वो हमने दिखा दिया। इनफैक्ट
काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी रिसोर्सेज की कमी है, इंटरनेट वाईफाई शहर से दूर, अभी ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती है, इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट। इनफैक्ट अभी इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो टावर वगैरह के इश्यूज़ हैं थोड़े से, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पर भी। आई होप आप सभी को ये वीडियो देख करके अच्छा लगा। गाँव से मैं आ गया हूँ घर, और आ गई हैं साथ ना, वो डॉक्टर के पास गई है ना अभी, तो बुआ को डॉक्टर के पास जाना था, अभी वो डॉक्टर के पास गई हैं, लेकिन एक दूसरी मज़ेदार बुआ एक और आ गई हैं, और यहाँ पर हैं बुआ, आपको मैं पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। ये है दूसरी बुआ, अभी तो बहुत डिसेंट बैठी हैं, लेकिन पूरे हमारे खानदान में इतना हंसाने वाला कोई प्राणी नहीं होगा, ये कॉमेडियन बुआ है। और ये है क्या नाम है जी तुम्हारा? आयुष। इसका असली नाम है राम ढेलू, इसके नाना इसका नाम रखे हैं, जो अभी मेरे दादाजी थे, जिनको आप लोगों ने होम टूर वीडियो में शायद देखा होगा। तो ये बहुत शर्मा रहा है अभी, लेकिन ये एकदम खुरापात लड़का है। और इसका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता का दांत चूहा लेके भाग गया है। दिखा दो दांत, दिखा दो, दिखा दो, दिखाओ महाराज, दिखा दो, दिखा एक बार, दिखा दो, देखिए इसका दांत। अब ये एक बार तुम अपनी बड़ी हो जाओगी ना, तब तक दिखेगा ये वीडियो में। ये बुआ थोड़ा सा कॉमेडी करती हैं, भोजपुरी बोलेंगी तो आप लोग एकदम हंसते हंसते गिर जाएंगे। उधर मनीषा के पास दे जाओगी, प्यार कर रही, मनीषा के पास जा रहे हैं। देखिए क्या कर रही, तुम ठीक हो गई हो मनीषा, एकदम मस्त हो गई। और देखिए क्या कर रही हो तुम किचन में, चावल क्यों बना रही हो? नहीं बनाए थे पूरा लिए। मेरे लिए चावल सुबह में थोड़ा ही सब बना था, आपको नहीं खा के हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बना दीजिए खाना, थोड़ा सा खा लेंगे कि हम बना ले। हाँ डारी, हम बना ले के नाम पे, लाइए हम ही बना देते हैं। ना ना हम बनाए, कह देंगे कि हम बीमार थे। बीमार तो नहीं लग रही हो तुम, ठीक हो गई हो? दवाई का नींद नहीं लग रहा है? गई दवाई पी रही थी और सो जाती। लगता है रूम की पूरी सफाई हुई है गाइस। रूम आपको पहले दिखाते हैं, लाइट ही कट गया। और भाई साहब रूम तो कतई जहर, एक नंबर। क्या बात है मनीषा मैडम जी, इनको देखिए राम ढेलू आ रहे हैं। रूम तो बिल्कुल चमका दिए हैं आप, कहाँ है भाई, पूरा तो कमाल मचाए रखी हैं, पूरा घर हिला दिए हैं। ना अभी वही जब मनीषीपुर आए कहाँ हैं अभी भाई जी, आप मेरे को देख सकती हैं कि हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ, फिर भी मेरे से कंटिन्यूसली पूछ रही है कि आप आ गए। ऑब्वियसली बात है आ गए। वही से बोल रहे हैं आप आ गए, नहीं है दिमाग नहीं है। ए तनिक कम घेर के बात करो, मेरे कान में पूरा घून आ गया था, गेहूँ लेकर के आए एक पूरी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड। मेरे गांव का टूर कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करके आप इसको बताएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। तुम भी बोल दो लाइक वाला अपना डायलॉग। अरे जल्दी बोल दो, तुम गर्मी का मौसम, जल्दी बोलो ना, एसी नहीं चला रही क्या? हम तो अभी यहाँ हैं। अच्छा पहले बताओ ना, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।